अरे अरे मैं है कि मुबारक बादी। थैंक यू नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी आएंगे बस थोड़ी देर में। और हमारी पार्टी कर दिया है तो मेरा तो कुछ कीजिए। डोंट वरी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ये भुवन क्या, ये क्या हेयर स्टाइल है? अरे ये हेयर स्टाइल है, बिगाड़ो मत इसको, जूते बालकनी में रखो। क्या घर बनाए हो सर? थैंक यू जरा गिफ्ट तो दो। जूते सर एक्चुअली बाहर शुरेक में ही है। शुरेक और बालकनी में? आर यू सीरियस? मेरा भी यही रिएक्शन था। इंटीरियर्स एवरीथिंग ये तो ठीक है, बालकनी में शुरेक इस वियर्ड ना। अरे भाभी आपका नेकलेस बहुत सही है, रियल पर्ल साथ। कौन इतनी बड़ी पार्टी में क्या आर्टिफिशियल पहनोगे? बिल्कुल। अब क्या करें, होम मिनिस्टर का जो ऑर्डर है तो सब वियर्ड थिंग्स भी प्रैक्टिकल हो जाती है। आशु आप भी अपने सर से कुछ सीख लीजिए। जी वैसे एक बात बताऊं, ये जब जेड को ये बात पता चलेगी ना कि शुरेक बालकनी में है तो यार बहुत हंसेगा, बहुत हंसेगा। ये जेड कौन है? एक्चुअली जेड चुना वाला हमारे ऑफिस का सॉफ्टवेयर डेवलपर है, यू नो, और ऑफिस का नॉटी बॉय भी है। ओके गुड यार। बहुत हो गया आपको ठीक है ना? वेलकम सर, वेलकम, कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सो मच आयशा। अरे ओ लवली, अरे जूते हमने ये अपना घर ले पाए और इसमें डिजाइनिंग का वर्क में लाखों खर्चा किया है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग का वर्क तुम्हारी भाभी वाणी ने किया है। भाई ये बात तो है, हमारे भाभी की इंटीरियर डिजाइनिंग का तो जवाब है, वरना अगर हमारे अविनाश भाई की आइडिया के हिसाब से चलते तो ये घर कम तबेला ज्यादा लगता। सही कहा राजेश जी, इसलिए इतना काम सारा पर्टिकुलर है। यार आमिर एक बात बताओ, दिल पे मत लेना, तुझे ना तबेले का कॉन्ट्रैक्ट भाई एक दिन जरूर मिलेगा। अरे साले तेरी शादी हो जाने दे, फिर दाल आटे का भाव मानू पड़ेगा। आप भी पापा का तरीके तक पूछेंगे मुझसे। तो फिर क्या पूछते हैं आप? मेरे लिए फोन लाने वाले थे ना। तो फोन आ जाएगा। ये कौन है? इतनी हॉट और चार्जिंग है। ओ प्लेबॉय। तो टीना त्रिवेदी है, तेरे पापा की नई सेक्रेटरी, आप जानते हैं इसका? हाँ। अच्छा ये भी आ रही है। हेलो टीना, वेलकम वेलकम।
हेलो सर, कैसे हैं? आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई. एक्चुअली आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट देख रही थी, बट कुछ मिला ही नहीं. बट सर, आपका ये बहुत ब्यूटीफुल है. And what a lovely inauguration party, huh? Thank you, Tina. Thank you. भाभी, आपको नहीं लगता भैया कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो रहे हैं इससे? कल जो हमारा डिनर में आप चलेंगे ना? ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर चलेंगे. हाँ, ये लाल छड़ी के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो रहे हैं. मुझे तो लगता है यही डिनर प्लान्स चल रहे हैं इनके. हाँ, रोज़ लेट आने लगे, यही है डिनर प्लान. हेलो, हाँ मंजीत, हाँ हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा, यहाँ बहुत शोर है, आवाज नहीं आ रहा. अच्छा, हाँ मैं रुको, मैं बालकनी में आ रहा. ओके ओके ओके. एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने? क्या हमें बताया गया था कि इनॉग्रेशन तो कल है. शू रैक बालकनी में देख के सब लोग कह रहे हैं, ये लाल छड़ी गई बिना किसी को परमिशन दिए और डायरेक्ट अंदर जाके उसने शू रख दी. ये बात तो नोटिस करने वाली है, इसका मतलब समझे गए यार. अरे इतना गुस्से में क्यों देख रही हो वानी? आखिर हुआ क्या? सब ठीक तो है? बस तुम्हें और तुम्हारी उस सेक्रेटरी को देख के हाथ में खुजली हो रही है. क्यों? अरे क्या हुआ जान? जान नहीं, जानवर. यहाँ बैठे किसी को नहीं पता कि हमारा शू रैक बालकनी में है. तो तुम्हारी उस आइटम को कैसे पता चला कि शू रैक बालकनी में है? क्या बताऊं कि क्या बोल रही हो? अरे 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 मेरी बात तो सुनो. अरे बात तो सुनो. सुनो, अच्छा तुम्हारी आने के